हेलो फ्रेंड्स, ए वीडियो देखिबा जामितिर अनुशीलनी एकर डी रो एक नंबर क्वेश्चन से देछि बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि शून्य स्थान पूर्ण करो। चित्र 1.62 रे थिबा त्रिभुज एबीसी रे एम एंगल एबीसी 90 डिग्री। चित्र 1.62 रे त्रिभुज एबीसी रो एम एंगल बी अर्थात एबीसी 90 डिग्री देछि एवं बीडी लंब एसी बीडी एसी प्रति लंब अर्थात एटा 90 डिग्री एवं एटा मध्य 90 डिग्री देछि। हेले से कहिछि एम एंगल ए बी डी दिया जाइथिबा एही कोण मध्यरु कहा सहित समान, एम एंगल ए बी डी को कोण सहित समान पचारिछि। आमे जानिछु गोटिए समकोणी त्रिभुजर गोटिए समकोणरु तार कर्ण प्रति गोटिए लंब अंकन हेले उत्पन्न होउथिबा त्रिभुज गुड़िक परस्पर सदृश अर्थात जदि बी डी लंब ए सी हेला ताहेले उत्पन्न होइथिबा त्रिभुज गुड़िक ए त्रिभुज एवं ए त्रिभुज परस्पर सदृश हेबे एवं एगुड़िक मूल त्रिभुज सहित मध्य सदृश हेबे अर्थात ए बी सी सहित मध्य ए दुईटी त्रिभुज सदृश हेबे। ठीक अछि, जदि सदृश हेले ताहेले सेमानंकर अनुरूप कोण गुड़िक सदृश हेबे। ठीक अछि, से कहिछि एम एंगल ए बी डी एम एंगल ए बी डी कोण एही कोण कहा सहित समान हेबो बा सदृश हेबो। ठीक अछि, आमको जानिबाकु पड़िबो एही कोण रो अनुरूप कोण कोटा। ठीक अछि, देखिबा अनुरूप कोण किभली आमे पाइबा। देखो आमे जानिछु जेहेतु बी डी लंब ए सी हेला तेणु ए बी डी त्रिभुज एवं ए बी सी त्रिभुज सदृश हेबे। ठीक अछि, ए त्रिभुज एवं ए त्रिभुज सदृश हेबे हेले एमानंकर अनुरूप कोण गुड़िक कोण हेबो। देखो देखो त्रिभुज ए त्रिभुज एवं ए त्रिभुज रे एही कोण साधारण कोण। ठीक अछि, ए त्रिभुज रो एवं ए त्रिभुजर एही कोण साधारण कोण तेणु एटा अनुरूप कोण दुईटी जाक त्रिभुजर अनुरूप कोण हेबे। नेक्स्ट गला गोटे कोण गला, नेक्स्ट कोण देखिबा। देखो ए त्रिभुजर एटा समकोण ए त्रिभुजर एटा समकोण। ठीक अछि, ए बड़ त्रिभुजर एटा समकोण बा 90 डिग्री ए सानो त्रिभुजर एटा समकोण बा 90 डिग्री तेणु ए कोणर अनुरूप कोण एटा हेला। एही कोणटा दुईटी जाक त्रिभुजर कोण तेणु एटा अनुरूप हेगला एही कोण अनुरूप एटा हेगला। बर्तमान बड़का कोण रहिला ए त्रिभुजर एही कोण बड़का रहिला एवं ए त्रिभुजर एही कोण बड़का रहिला तेणु एही कोण अनुरूप हेबे। देखो से कहिछि एंगल ए बी डी ए बी डी रो अनुरूप कोटा हेबो एटा हेबो। एही कोण देइछि कि देखो ए कोण कोठी देइछि बी ए डी बी ए डी नाही डी बी सी डी बी सी नाही डी सी बी ठीक अछि एटा डी सी बी हेबो। ठीक अछि, ए बी डी रो अनुरूप कोण हला डी सी बी एटा हेबो उत्तर। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा दुई नंबर बीट रो ए रे देइछि से कोण ए चित्र रे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटु केते हेबो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटु केते हेबो। प्रमेय 1.4 रो अनुसिद्धांत रे सेठी मने रखिबा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटु ए सी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटु ए सी एहार प्रमाण आमे बेसिक कनसेप्ट रे करि सारिछु तेणु सेठी आमे मने रखिदबा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटु ए सी एबी सहित जेहेतु एडी संलग्न तेणु एडी इंटु टोटाल एसी। सेठी आमे आउ गोटे जिनिष देखिथिलु बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटु एसी बीसी सहित सीडी बा डीसी लागिछि तेणु डीसी इंटु एसी। आउ गोटे जिनिष देखिथिलु बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटु डीसी देखिथिलु। ठीक अछि, एटाकु आमे एठी व्यवहार करिबा। देखो ए बी स्क्वायर माने कौन हम ए बी सहित लगी ए डी एडी इंटु ए सी एडी देइछि आ बड़का रहिला कौन एडी देइछि ए सी बड़का रहिला ए सी हम।
ସେଇଭଳି ବିସି ସ୍କୋୟାର, ବିସି ସ୍କୋୟାର ବୋଲେ କ'ଣ, ବିସି କୁ ଲାଗିଛି ସି ଡି, ସି ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି, ଏସି ସିଏ ଦେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଏସି ଦେଇଦେଇଛି, ସି ଡି ଦେଇନାହିଁ, ବା ଡିସି କିମ୍ବା ସି ଡି ଏଇଠି କୋଉଠି ଦେଇଛି, ଡିସି, ଡିସି ଦେଇଛି, ଡିସି ହବ। ସେଇଭଳି ସେ ଦେଇଛି ବିଡି ସ୍କୋୟାର, ବିଡି ସ୍କୋୟାର ବୋଲେ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ, ବିଡି ସ୍କୋୟାର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଡିସି, ସେ ଡିସି ଦେଇଛି ଆଉ ଏ ଡି କୋଉଠି ଅଛି, ଏ ଡି ଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଆସିବ ଏ ଡି ଇଣ୍ଟୁ ଏସି, ଏଠି ଆସିବ ଏସି ଇଣ୍ଟୁ ଡିସି, ଡିସି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଡି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଦେଇଥିବା ଏ ତିନୋଟି ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବି ଆମେ କରିଛୁ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟରେ, ଯେହେତୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆସେ, ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା ସୂତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ଭଳିଆ ମନେ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ସହଜରେ ଆମେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ।